नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर जिग्नेश उपाध्याय है। मैं अभी आप सभी के साथ गुजरात यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन जो शॉर्ट टर्म कोर्स चल रहा है उसका मैं भी प्रतिभागी हूं। मेरा रोल नंबर 20 है। 21 दिसंबर 20 से 27 दिसंबर 2020 तक ये जो आयोजन हुआ है उसमें मैं भी आप सभी के साथ शामिल हूं। आज वीडियो फीडबैक मैं दे रहा हूं। वीडियो फीडबैक में सबसे पहले मुझे जो कहना है वो ये है कि हम आपका जो सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि आप इसमें से क्या सीखें। सबसे पहली बात तो ये है कि अनुवाद के ऊपर जो ये शॉर्ट टर्म हुआ उसका आयोजन करने के लिए आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हम सब ये ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में विश्व के सभी सब्जेक्ट से, सभी विषयों से अवगत होना चाहिए, लेकिन हमें सबसे बड़ी कोई दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं अनुवाद में हो रही है। क्या सीखे, तो सबसे पहले तो हम अनुवाद प्रक्रिया क्या है, अनुवाद का जो मतलब होता है वो क्या होता है, वर्ल्ड लिटरेचर में अनुवाद कैसे होता है, ये अनुवाद है ये स्किल है या आर्ट, ये कौशल है या कला है ये भी, और कविता में कैसे होता है, इस सब हमने अलग अलग रिसोर्स पर्सन के द्वारा हमने सीखा है। हम सब देखते तो थे, हम सब पढ़ते थे, लेकिन अनुवाद प्रक्रिया क्या है इसका हमें पूरा शायद हम अच्छी तरह से समझ नहीं रहे थे। जो कोई हमें जो शंका थी वो भी आप सब ने दूर की। दूसरी बात, आपकी कौन सी स्किल डेवलप हुई। अनुवाद में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा कोई स्किल डेवलप होनी चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल। आपने जहाँ से भी लिया है, आप कौन सी भाषा या कौन से जहाँ से भी आप लेते हैं और जब भी आप उसको अनुवाद करते हैं तो दोनों के बीच में एक पुल होना है, दोनों के बीच में कोई अच्छा, वरना क्या होता है कि कई बार जो कृति होती है, जो रचनाएं होती है वो उसके मूल भाव अर्थ के साथ वो अनुवाद में आती नहीं है, तो बहुत बड़ी दिक्कत भी होती है। तो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन स्किल अनुवाद के द्वारा हमारी होनी चाहिए, ये हमने सीखा है। एक कैसे हमको हेल्प, आप इस प्रोग्राम हमें कैसे हेल्प कर सकता है। अनुवाद मैंने बोला कि अब आजकल तो ऐसा हुआ, मैं लिटरेचर में हूँ तो आज लिटरेचर का कोई भी कैरेक्टर हो उसको साइकोलॉजी के साथ जोड़ना पड़ता है, उसकी मनोवैज्ञानिक का जो मानसिकता है उसको भी हमें देखना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रांसलेशन हम अच्छी तरह समझे और दुनिया की कोई भी, हमें तो कई कृतियाँ भी क्लासरूम में कहनी होती है, तो हम कोई भी अच्छी तरह से अपनी बात रखे, अनुवाद के माध्यम से रखे, या हम अनुवाद कोई कृति है वो अनुवाद के द्वारा ही हम पढ़ाते हैं, अब अग्निगर्भ हो या हजार चौरियासी की माँ हो हम पढ़ाते हैं, लेकिन वो हिंदी अनुवाद में से और फिर गुजराती में अनुवाद के बाद हम पढ़ाते हैं, तो अनुवाद की जो हमारी समझ है वो बहुत गहरी हुई इस प्रोग्राम से। ये कोर्स बहुत अच्छा रहा। इस कोर्स में जो भी रिसोर्स पर्सन आए, फिर वो प्रसाद ब्रह्मभट हो या सचिन केटकर जी हो, दुष्यंत निमावत जी हो, भानुबेन वसोया हो या मयूरी मैडम हो, सभी ने अपनी तरह से बहुत अच्छी बात जैसे कि दुष्यंत निमावत जी ने तो स्किल और आर्ट इतनी अच्छी तरह से हमें हमारे सामने वो अपनी बात रखी कि हम बहुत प्रभावित हुए। वैसे भी अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में मैडम भानुबेन ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी। प्रसाद ब्रह्मभट्ट तो हमारे लिटरेचर में, गुजराती साहित्य में भी बहुत अच्छा
अपनी बात रखते हैं और अपने कई संशोधन किए हैं। तो प्रसाद जी की बात तो हम गुजराती लोग और गुजराती साहित्य लिटरेचर के लोग को तो पसंद आती है, लेकिन बहुत है, फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज़ में अभी ऑनलाइन है तो फैसिलिटीज़ में हम वहाँ नहीं हो, लेकिन आपने फैसिलिटीज़ जो HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी से जो करना था वो बहुत अच्छी तरह से हमें मेल भेज देना, व्हाट्सएप ग्रुप से हमें लिंक भेज देना, ये सब बहुत अच्छी तरह से स्टाफ ने की, कोऑर्डिनेट किया, बहुत अच्छी तरह से किया। जगदीश जोशी सर ने तो वो अब तो जैसे तो हर एक बात का ख्याल रखते हैं, कोऑर्डिनेट के करने के साथ साथ वो कहीं दूसरी चीज भी देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। तो उसके और वो जो सब रिसोर्स पर्सन का ले आते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो बहुत अच्छा रहा ये कार्यक्रम, और भी हम ये करते रहे, आप सब स्वस्थ रहे इस कोरोना काल में। मैं आशा करता हूँ हम जितने भी मित्र हैं हम सब मिलेंगे आने वाले नए वर्ष में। अभी तो नए वर्ष भी आ रहे, तो ये नए वर्ष की भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।